एक सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन कर उठाई अपनी आवाज। छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर सोमवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने संघ के प्रांतीय आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री तक आवाज पहुँचाई गयी और कहा गया कि जब गंगा जल लेकर वादा किया था तो सिर्फ उस वादे को निभाए कांग्रेस की सरकार। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा की गई चुनावी जंग घोषणा उपरांत भी अब तक नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 अगस्त 2023 को नियमितीकरण की घोषणा करते हुए शासन द्वारा आदेश पारित किए जाने की मांग की गई। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संख्या जिले में लगभग 1.5 से 2 हजार है, जिस जो मांग हमारी है वो नियमितीकरण, एक सूत्री मांग नियमितीकरण ही है। अब इसके लिए हम विगत 10 वर्षों से शासन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, विनती कर रहे हैं, सब चीज़ कर करके हम लोग ये सब थक गए हैं, तो हमको ये आंदोलन का रूपरेखा लेना पड़ा। हम आज ये आंदोलन के जरिए उनको बताना चाहते हैं कि आप हमारी मांगे सुनिए। जो बिंदु क्रमांक 10 में आप जो दैनिक वेतन भोगी को आप नियमितीकरण करने का वादा लिया था, गंगा जल की कसम खाई थी, उसको आप गंगा जल की कसम का निभाओ, उनका मान बढ़ाओ। बस यही हम सरकार से कहना चाहते हैं। कर्मचारियों के भविष्य की बात है, सब 10 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया, सबकी भविष्य अंधेरे में जा रही है, सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में एक दिवसीय हड़ताल और धरना और महारैली का कार्यक्रम रखे हैं और हमारी मांग ये है कि सरकार से कि हम नियमितीकरण चाहते हैं जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिया था। और आज आप देखेंगे कि 1675वां दिन है और आज भी हमारे लिए उन्होंने कुछ भी निर्णय नहीं लिया, खाली बैठकें होती है, जानकारी मंगाया जाता है और जानकारी मंगाने के बाद भी कुछ ऐसा हमें इनपुट नहीं मिलता कि हमारा नियमितीकरण होगा। उसके लिए हम आज भी चाहते हैं कि हमें कुछ इनपुट ऐसा मिले कि सरकार हमारे लिए, हम सभी को नियमितीकरण करने के लिए एक अग्रसर है, हमारे उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए भी वो तत्पर हैं। हम चाहते हैं कि उनसे कुछ इनपुट मिले, उनके इनपुट नहीं मिलने की वजह से ये हमें हड़ताल करना पड़ रहा है। आगामी तौर पर हम देखते हैं कि ये अब जैसे अभी हम जिला स्तर पे हैं, अब आने वाले समय में हम संभाग स्तर पे करेंगे और हो सके तो जिले के समस्त जिले में जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनसे भी हम चाहेंगे कि उनसे भी मिलकर हम अपनी बात रखेंगे और नहीं होगा तो हम अपना आंदोलन उग्र करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ जिला का अध्यक्ष हूं और ये दैनिक वेतन भोगी लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी हैं जो लगातार 98-97 से निरंतर कार्य कर आए हैं। शासन ने कई बार इनकी जानकारी मंगाई गई, केवल जानकारी मंगाई जाती है, कार्य नहीं किया जाता है। और हमारी भी संघ इस चतुर श्रेणी कर्मचारी संघ के अभी हमारे प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुआ है अभी बीच में और हम शुक्रवार को और जाने वाले हैं और हम अपने कर्मचारी को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आज कई प्रकार की अपनी सभी की मांग है नियमितीकरण की मांग इसलिए है कि उन्होंने सरकार ने कहा है कि हम देंगे, हमने नहीं मांगा था, उन्होंने कहा दिए देंगे, तो देने में क्या तकलीफ है। अब जो जायज है 10 साल 15 साल जो 5 साल में आए, आज कालम बना दी गई है 2004 से 2018 की दैनिक वेतन भोगी के कर्मचारियों की जानकारी अलग दी जाए, 19 से 2023 तक की कर्मचारियों की अलग जानकारी, ये क्या जानकारी होती भाई। भाई आपकी ज़रूरत रही तभी आपने कर्मचारी को लाए। आज हम देख रहे हैं कि जैसी जैसी चुनाव आते जा रही है हमारे 5-5 साल 7-7 साल के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको बैठाया इसलिए जा रहा है कि ये अधिकारियों की मनमानी है। मुख्यमंत्री जी ने मौखिक आदेश में दिया गया था कि किसी भी कर्मचारियों की छटनी ना की जाए। आज हमारे लोक निर्माण विभाग में एक जो 2006 से कार्यरत फूलबाई नाम की औरत को निकाल दी गई थी, जिसका कारण कुछ नहीं, केवल अधिकारी से अनबन है, हो सकता है उनकी नाम नियमितीकरण में चली गई होगी। आज क्यों निकाला जा रहा है कि आज शासन ने 4,000 रुपये बढ़ा दिया, जो मजदूर 7,000 से काम करते आज 10 साल 20 साल आज 14,000 हुआ, 10,000 तक आज तक किए, आज हुआ है 14,000, वो भी उनको मिला नहीं है। तो आज अधिकारी अपने पूत भतीज अपने रिश्तेदारों को जो थक गए उनको निकाल रहे हैं।
क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि उनकी नियमितीकरण ना भी करे, हमको कोई ऐतराज नहीं, स्थायीकरण कर दे ताकि वो कम से कम 62 वर्ष की आयु तक अपने उस विभाग में सेवा करे, हमारी ये मांग है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।